चलिए मैं सीधा रुख करवाता हूं अगली खबर से, जहां पर जबरन कब्जे की बात सामने आ रही है। मामला राजधानी जयपुर का सामने आया है, जहां पर बातचीत करें तो गांव किशोरपुरा केडिया कोठी के पीछे का मामला यह बताया जा रहा है, जहां पर 11 बीघा जमीन की केडिया के नाम से रजिस्ट्री है, लेकिन निर्माण 18 बीघा भूमि के ऊपर किया जा रहा है। और इसके पीछे की क्या वजह है, वहां के लोग आखिर किस प्रकार से परेशान हो रहे हैं, सीधा आप सभी को ग्राउंड रिपोर्ट से अवगत कराते हैं। सिरसी रोड हाथोज फाटक के पास किशोरपुरा गांव केडिया कोटी के पीछे काश्तकार की जमीन टोटल 29 बीघा 16 बिसवा बताई जा रही है, जिसमें 11 बीघा इनके पुरखों की जो जमीन थी वो 11 बीघा यानी इन्होंने किसी यादव को दिया था, यादव ने केडिया को सेल आउट कर दिया। 18 बीघा 16 बिसवा पे अभी भी कोर्ट स्टे चल रहा है। कोर्ट स्टे चलने के बावजूद भी यहाँ आप देख सकते हैं पीछे किस तरीके से ये केडिया सोसाइटी के नाम से जो कॉलोनी बसाई जा रही है, केडिया का ये प्रोजेक्ट है और केडिया ने यहाँ जबरदस्ती कोर्ट स्टे के बावजूद भी यहाँ पे जेसीबी चला रखी है, ट्रैक्टर वगैरह चला रखा है। दो दिन से लगातार यहाँ विवाद बढ़ता जा रहा है। स्थानीय यानी जो पुलिस है करदनी थाने से जो पीसीआर है मौजूद है, ये पीसीआर में जो पुलिसकर्मी थे उनका सीधा सीधा कहना है कि अगर दोबारा 100 नंबर पर फोन करोगे तो तुम्हें उठा के हम ले जाएंगे। आखिरकार खाकी में ये यानी जो रोष जो गुस्सा जो देखने को मिल रहा है वो आखिरकार काश्तकार को ही क्यों दिखाया जा रहा है, ये सारा गुस्सा यानी अगर मानो केडिया सोसाइटी या केडिया के प्रोजेक्ट के जो मालिक है उनको दिखाया जाए तो शायद ये विवाद टल जाए। यहाँ के जो लोकल काश्तकार जो हमारे पास है उनसे पूरी जानकारी लेंगे कि मामला है क्या, और तीन दिन से ये जो विवाद इस तरीके से बढ़ रहा है कि खूनी संघर्ष भी होने की आशंका है। ये क्या मामला है कि 29 बीघा 16 बिसवा जो जमीन बताई जा रही है कि कहना आपका पुरखों ने यानी 11 बीघा जमीन किसी यादव को बेची थी, यादव जी ने केडिया को सेल आउट कर दी, तो ये कितनी जमीन है टोटल और कितनी सेल आउट की है? ये साहब 29 बीघा का रकबा है इधर, और वो बंगार को बेची हमारे बुजुर्ग के आदमी बेचे हुए हैं, बहुत दिन हो गया, उसका कोई साइन नहीं है, कोई वगैरह नहीं है, और आप वो केडिया को बेचा बाद में कल जैसी भी और ट्रक डंपर ट्रैक्टर कम से 50 साधन लगा दिया, हम था नहीं, हमारा परिवार नहीं था, और जबरदस्त करके नीम लगा रहा है, खोद रहा है और धमकी मार रहा है, और फिर बाकी हम मारा किया बोलो किया तो हमारे को धमकी मारा, हम धमकी दिया उसको तो हमारे को धमकी मारा, फिर बीसीआर को बुलाया, बीसीआर को बुला के बाद में कहे हम गाल ले जाएंगे, देखो हम तो गलाए चूड़ी तो हाथा में ही नहीं, तो क्या जबरदस्ती कर देगा, अपन काश्तकार आदमी है, इन गरीबों को है ना, जो एसडीएम महोदय से जो स्टी है वो कितने बीघे पे, एसडीएम 18 बीघा का स्टे है 18 बीघा पे, और वो 29 बीघा रकबा था, इसमें 29 बीघा आप 11 बीघा 16 बीघा उसको दिया हुई था, हमारी 18 बीघा है ज्यादा पे कब्जा कर रहा है। 16 कसरा नंबर कितना, कसरा नंबर 29 306 इसपे यानी कितने इसमें यानी काश्तकार है, और काश्तकार है हमारा पिताजी है, तीन था जी उसी गंती पहली, तो इसपे यानी तकासनामा हो गया है, कसरा नंबर अलग अलग हो गए, कुछ भी नहीं है, तकासनामा सबका शामिल है। तो आपने सुना और समझा, और ये यहाँ के लोकल काश्तकार है जो इस जमीन में जो आप पीछे फुटे जो देख पा रहे हैं कि ये टेंट भी जबरदस्ती से यहाँ लगाया हुआ है, कि यहाँ पर जो इनके पुरखों की जमीन है ये 29 बीघा और 16 बिसवा बताई जा रही है, जिसमें 11 बीघा जमीन केडिया को बैठा, लेकिन केडिया यहाँ पर 7 बीघा 16 बिसवा पर जबरदस्ती से अपना कब्जा जमाना चाह रहा है। बात बाकी बात करें यहाँ पे कि ये माहौल इतना बढ़ गया, इतना गर्मा गया है कि यानी यहाँ तीन दिन से ये मामला इस तरीके से चल रहा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, संबंधित पुलिस पीसीआर आ रही है, तमाशा बना के जा रही है, लेकिन ये कहीं कहीं अगर पुलिस अगर इसको शिकंजा नहीं करतेगी, कोर्ट के आदेशों की अगर पालना नहीं कराएगी तो खून इस संघर्ष में बदल सकता है। न्यूज 19 जयपुर से कैमरामैन पुलकित सक्सेना के साथ फिलहाल इस रिपोर्ट में, बने रहिए न्यूज 19 के साथ, नमस्कार।